गुड मॉर्निंग, नमस्कार, खमागनी, राम राम। तो आज तारीख है 10 दिसंबर और आज एक स्पेशल ट्रिप के ऊपर मैं गोमबान जा रहा हूँ। हमारे साथ 4-5 जना और है, कौन कौन है मैं दिखाऊँ थाने। और सडन बने प्लान, और सडन तो कहीं 4-5 दिन हो गया और आज मैं निकलना तो मान 6 बजे 7 बजे हो, लेकिन कुछ मका लोग है ना भाई, देखो अब आया ही खाते, थोड़ा लेट हो गया, लेकिन अब 9:30 बज चुकी है और अब मैं निकल वाला यहाँ। और मार्सा के 2-3 जना है, बंद थान में मिला आज। और देखो ये बहू है ना, विदेशी गर्ल बन गई, मैंने चेंज कर लिया। तो व्लॉग तो ये भी बना रहे हैं, लेकिन मैं भी बनाऊंगा। लोग निकल गए, तो हम लोग निकल रहे हैं। अभी 2 लोग आए हैं। नहीं 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 नहीं, ये मत लो, क्योंकि मैं उसकी मम्मी को ऐसा लगता है चिक्कू मेरे साथ है। बोलो करनी माता की जय, विनायक जी महाराज की जय। तो दोस्तों हम लोग निकल गए हैं और हरेंद्र बना और गरिमा वैसा दोनों को पता नहीं है। हमारा प्लान ये था कि हमारे साथ में चिक्कू जाएगी और उमा जाएंगे और वर्षा जाएंगे, लेकिन कल शाम को उमा का मैंने इन दोनों को ऐसे बोल दिया कि उमा का कॉल आया और वो ऐसे मना कर रहे हैं कि भाई मैं नहीं जा सकती। तो इनको नहीं पता कि उनको वो आ रहे हैं कि उनका कैंसिल हो गया, लेकिन एक्चुअल में वो आ रहे हैं और ये मेरा प्लान था। तो ये यहीं देखेंगे, उनको नहीं बोला तो वो जाने उनका काम जाने। देखो लोग सब होगा, वरेंद्र बना बैग लेके आ रहे हैं। तो हम हो गए 5 लोग। और गाइज आपको एक चीज़ बताऊं क्या, एक सरप्राइज है। सरप्राइज ये है कि उमा का मैंने इन लोगों को बोल दिया है कि उमा नहीं जा रही, लेकिन उमा जा रही है और वो अगले यहाँ पे सर्कल के ऊपर खड़ी है वहाँ पे। तो इन लोगों के लिए वो सरप्राइज होने वाला। ये देखो मैंने उमा को व्हाट्सएप मैसेज कर दिया कि मना कर दो। हम लोग 2 लेके आए हैं और इनका देखो पेट और निकाला और हमें बोल रही थी कि ऊपर खिलाओ। सुनो बराबर है, लेकिन देख लो इसके 2 कर लो, उतने ही हो रहे हैं। बना की तो मार्क्स आ गए, करनी मैया की जय हो। 2-3 लोग और जुड़ गया। रास्ते में इकट्ठी करते जा रहे सवारी। हाँ जेड प्लांट भी मेरे पास है, सामने देखो। ओह माय गॉड, व्हाट अ सरप्राइज। कौन है ये लड़की, कुत्ता खाने वाली? कैसा लगा सरप्राइज? और पता है कितनी कितनी गालियां दी इन लोगों ने। आप बोले धोखेबाज निकली वो लड़की, डिस्कस कर रहे थे यार। मतलब सर आपने तो 2 घंटे बात, नुकसान हो जाए तो उतार के चल जाओ, इस बॉटल का नुकसान हो जाए तो उसे। और नरेंद्र बना तो हमारा फाइनल हो गया है कि 5 दिन 6 दिन जितने भी हम रखेंगे, 4 दिन 5 दिन, तो सब लोग मिलके डेली किसी एक को सरप्राइज देंगे, है ना। जैसे एक दिन हम वर्षा को सारे 5 लोग मिलके एक सरप्राइज दे रहे हैं, फिर इनको, तो सबको एक एक सरप्राइज देंगे। सरप्राइज क्या होगा वो आपको हम बाद में बताएंगे, वो अभी सरप्राइज है वो बाद में बताएंगे। इन दोनों ने क्या डिसाइड किया है कि यहाँ पे ये लोग दोनों सिंगल सिंगल आए हैं, कोई किसी का हस्बैंड नहीं है, कोई किसी की वाइफ नहीं है। एनिवर्सरी पार्टी जो है वो पेंडिंग है, तो हम देनी पड़ेगी पार्टी, तो देनी पड़ सी है। पुरानी बात है, तो हमारा ब्रेकफास्ट आ चुका है। ये लाइन अभी गर्मी भाईसान बोली थी, मैंने भी बोल दी। आलू पराठे के बाद गर्मा गर्म चाय, ये हमारा फिल कर रहे हैं। तो टास्क ये था कि जो अलग करेगा वो पीछे वाली सीट पे बैठेगा, पीछे वाली एक सीट है ना, तो इसके ऊपर बैठना है।
किया ओम बना के और गिरे में वैसा तो ये है दुनिया का अब बहुत ही फेमस ओम बना का मंदिर जहाँ हम लोगों ने दर्शन किए। और जब भी इधर से निकलना होता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि ओम बना के दर्शन करके ही जाएं, अच्छा लगता है, मन में शांति मिलती है और कहीं ना कहीं वो हमारी हेल्प करते हैं। बैठो सन, क्या ये क्या है, ये क्या सा ट्रक है भाई साहब, ये क्या है, बम रॉकेट बनाया, इंडिया ने रॉकेट बनाया, नया रॉकेट बनाया। तो गाइस जैसे हम माउंट आबू के पास पहुंचे, सरकार ने हमारे लिए प्रोटेक्शन भेज दिए, सिक्योरिटी गाड़ी भेज दिए और अब यही हमें पूरा सिरोही कहाँ माउंट आबू को बाइक घुमाएंगे और चला रहा है तीन गाड़ी है टोटल और फुल सिक्योरिटी के साथ हम लोग पहुंचने वाले हैं। आप लोग हमारा वेट कर रहे होंगे वहाँ पे मिलने के लिए। भाभी भाजपा सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो गाइस, टाइम हो गया 9 बजने वाले हैं और मैं पहुंचा हाँ आबू रोड माउंट आबू। अब 24 किलोमीटर हो रहा है और बैटरी सबकी डाउन है। ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर में लोग रन कर लिया तो थकान होनी तो वाजिब भी। और 17 किलोमीटर दिखा रहा है हमने लोकेशन अपने वाले हिल से एरिया स्टार्ट हो गया और 17 किलोमीटर दिखा रहे हैं माउंट आबू। और टाइम होगी 8:30 हो रखे हैं। बहुत ही रास्ता और आज
पहली बार मैं देख लो 550 किलोमीटर गाड़ी चलाई हूँ अकेले नॉन स्टॉप, ऐसी बात नहीं है यार, चला सकते हैं देख लो। अब रोड तक छोड़ दिया यार बैठो, अब देख लो दूसरी गाड़ी मार्क्स आगे लगा दी पुलिस गाड़ी, फुल प्रोटेक्शन दे रखे मैंने, कोई समस्या नहीं हुई खातर। अब आ गाड़ी मैंने ठेठ बैठ लीजिए यार छोड़ दी, इसमें भी दो ऑफिसर है दो सिपाही है, और अब देखो मैं तो मना कर रही हूँ लेकिन माने ही को नहीं। तो फाइनली मैं पहुँच गया हरिनिवास रिजोर्ट में, 5-star प्रॉपर्टी एक महीने में 8,000 को एक रूम है। अब क्रीम गया भी वैसा लेफ्ट लेफ्ट ये किसारों को मना के जाने और इसकी साइड से लेके हम आगे जा रहे हैं। अरे हरि विलास क्या कि थोड़ा नीचे था वो और ऊपर देखा हमने, हमें हाइट भी चाहिए था। और क्या चाहिए बताओ, भाई यार 3,000 में मजा ही आ गया ना। तो फाइनली मैं पहुंच गया और अब हमारी सुंदर सी प्रॉपर्टी है। क्या ठंड क्या लग रही है, जुगनू लग रहे हो आप, आपके पंख कहाँ से आ गए पहले तो नहीं सुबह, तो जुगनू लग रही हो, अरे पंख नहीं थे सुबह आपके कहाँ से आ गए, अभी मैंने उगा लिए। देखो माउंट आबू हम लोग पहुंच चुके हैं, रूम्स चेक कर लिए हैं और अभी गाड़ी से सामान उतार रहे हैं और बहुत ठंड है, बहुत ही बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहने वाला है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ये अपने ही लोग चीजें और लड़की प्लीज मेरे को यही छोड़ दो, मुझे यही रहना है। चुप चुप बिल्कुल प्लीज मेरे को यही छोड़ दो, मुझे यही रहना है। इनकी सुनना प्लीज यही छोड़ दो, मुझे नहीं छोड़ दे क्या, पूछ लेते उनको एक डेढ़ महीने के पैसे दे के इनको, है ना, मतलब एकदम क्या ही बोले यार, पूरा डिटॉक्स है ये तो। ये हमारा बजट फ्रेंडली रूम्स है, बहुत अच्छे सुंदर रूम है। और तो ये था हमारे पहले दिन का व्लॉग, कल का व्लॉग देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। गुड नाइट।